अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणामध्ये अमरेंद्र मिश्रा याला 13 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मॉरिस नरोन्नाचा अंगरक्षकाला 13 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. दरम्यान यावर अमरेंद्र मिश्राच्या पत्नीनं प्रतिक्रिया देत माझ्या नवऱ्याला फसवलं जात आहे, हा या संपूर्ण प्रकरणामध्ये त्याचं नाव घेतलं जात आहे असं विधान केलंय. तसंच अमरेंद्र मिश्रा यांच्या वकिलांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे, पाहूयात. अपनी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे पति के साथ साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है, उनका नाम खींचा जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में उनके उनको टॉर्चर भी किया है, उनके हाथ पैर में सूजन है, उनके साथ मारपीट भी गई, क्रिमिनल के जैसा उनके साथ बिहेव किया गया. प्लीज़ मेरी सीएम साहब एकनाथ शिंदे जी से, अपने फर्नांडिस सर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे पति के 2 दिन की रिमांड जो ली गई है, रिमांड में उनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है उनके जान को लेकर, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, उनकी सुरक्षा करिए. कोर्ट को लगता है कि उनका जो पिस्टल है पर वो लाइसेंस ही है, पर कोर्ट को लगता है कि जो ऑफिसर है उनको लगता है कि इलीगल है, पर उनके पास लाइसेंस है, वो बॉडी गार्ड है, इसके लिए उनका पिस्टल है. किसी तरह के क्यों यूज़ हुआ पता नहीं, क्या रीज़न से हुआ हमको कुछ नहीं. और पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई बड़ी साजिश है, उसमें इनका क्या रोल है या किस तरह का रोल है, उसकी जांच करने के लिए कस्टडी मांगी है उन्होंने. ये बॉडीगार्ड थे, इनको फंसाया गया, इनका कोई रोल नहीं. एक बात और सामने आई कि बहुत रिसेंटली उनके साथ जुड़े हैं, ये बात भी सामने आ रही है, बहुत लंबे समय से नहीं. रिसेंटली मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चला है क्या रीज़न से उनको फंसाया, तो जरूर है क्या रीज़न से उनका पिस्टल उनके पास आया उनको नहीं पता, पर उनके पास लाइसेंस था. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.